राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में उपचुनाव जो हुए उसके आज नतीजे आ रहे हैं और अभी तक के शुरुआती रुझान में देखा गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक लगभग 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनाव नतीजे जब फाइनल आएंगे तब समझ में आएगा कि कितने वोटों से दुर्गेश पाठक चुनाव जीतते हैं। बहरहाल इस वक्त जो यहां पर स्थिति है काउंटिंग सेंटर पर, यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही यहां पर डटे हुए हैं और आम आदमी पार्टी समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि दुर्गेश पाठक ही हमारे पीछे वही चुनाव जीतेंगे। और आपको बता देंगे अभी तक के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें लगभग 3000 वोटों से दुर्गेश पाठक आगे चल रहे हैं। इस जो विधानसभा क्षेत्र है राजेंद्र नगर, यहां पर कुल 7 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। लेकिन बहरहाल राघव चड्ढा जब यहां से राज्यसभा पहुंचे तब यहां पर उपचुनाव हुए और दुर्गेश पाठक जो MCD के प्रभारी थे उन्होंने आम आदमी पार्टी उन्हें यहां पर चुनावी मैदान में उतारा। राजेश भाटिया जो यहां से निगम पार्षद रह चुके हैं उनको बीजेपी ने उतारा। प्रेम लता कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। लेकिन बहरहाल शुरुआती दौर से ही जब देखा गया कि जो टक्कर था वो सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में थी। लेकिन बहरहाल अभी जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव से चुनाव जीत रहे हैं। राजेश भाटिया भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन चुनावी परिणाम और नतीजे यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार होने वाली है राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में। कहीं ना कहीं पार्टी ये तय करेगी, पार्टी इस पर निर्णय लेगी, आगे का मंथन तय होगा कि हार के कारण क्या रहे। लेकिन जो जमीनी मुद्दे थे उसे आम आदमी पार्टी ने उठाया और इसी का नतीजा है कि आज दुर्गेश पाठक यहां से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात हो, महिलाओं से जब हमने बातचीत किया तो वो कहे कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने हमारा वादा पूरा किया। महिलाओं को मुफ्त सफ़र, DTC बसों की बात करें, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर राजेंद्र नगर की जनता ने आम आदमी पार्टी के कार्यों पर मुहर लगाया और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर ही दुर्गेश पाठक जो चुनावी मैदान में उतरे थे वो अब इस विधानसभा क्षेत्र से आने वाले दिनों में विधायक होंगे। क्या कहेंगे मैडम आम आदमी पार्टी की राजेंद्र नगर विधानसभा? आम आदमी पार्टी हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, इसलिए हम लोगों ने धूमधाम से आम आदमी पार्टी को ले आए हैं कि आगे हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चे को भविष्य बने। हमारी 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, बस फ्री मिल रही है, इतनी तरक्की कर दी है कि उतना तरक्की आज तक कोई सरकार किया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने दोबारा से फिर लाए हैं। अब कि इससे भी ज़्यादा तरक्की करेंगे तो MCD भी हम लेके आएंगे।
क्या कहेंगे सर? कहने को कुछ बचा नहीं है, एक तरफा रिजल्ट हो रहा है। सत्य की जीत हमेशा होती आई है, सत्य पराजित नहीं होता, प्रताड़ित होता है। इन्होंने प्रताड़ित करने की कोशिश करी, इलेक्शन ऐसे टाइम में रखा जो वर्किंग डे था और आज रिजल्ट संडे को रखा। लेकिन ये जान के गवर्नमेंट की चाल है, केंद्र सरकार की चाल है, लेकिन इन्हें पता नहीं है आम आदमी पार्टी का वर्कर है। ये पैसे के लिए काम नहीं करता, ये राम के नाम पे काम नहीं करता, ये काम पे काम करता है। जिस सरकार ने हमारे लिए काम किया है, हम केवल उसी सरकार को ला रहे हैं। हमने प्रण ले लिया था, हमने घर का काम छोड़ा, हमारी माताओं बहनों ने सब ने बच्चे छोड़े, छोटे छोटे 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग चुनाव प्रचार में लगे रहे। हमने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा, खासतौर पर जे कॉलोनी बुद्ध नगर की बात मैं करूँगा, जहाँ 5-5 मंजिल के मकान है। हम हर मंजिल पर गए, हर मंजिल पर बुजुर्गों के पैर पकड़े, उनको हाथ जोड़े कि आप जाते जाते कम से कम आप चाहे खानदानी कांग्रेस ही है, खानदानी बीजेपी है, लेकिन जाते जाते अच्छा काम कर जाइए और आप पार्टी को वोट गिरिए। उन्होंने कहा बेटा आपकी तो आम आदमी पार्टी को ही देना है और उन्होंने हमें वोट दिया, क्योंकि उनमें कई ऐसे व्यक्ति भी थे जिनको तीर्थ यात्रा कराई गई। उन्होंने ये सबसे बड़ी बात कही थी, हमने जब पूछा कि तीर्थ यात्रा आपकी कैसे रही, बोले हमारा सगा बेटा भी ऐसी तीर्थ यात्रा नहीं करा सकता जिस तरह श्रवण कुमार केजरीवाल ने हमारी यात्रा कराई है। विधायक बनने वाले हैं, हाँ जी, आपको लगता है कि आप लोगों की जो उम्मीदें हैं ये बिल्कुल, उन्होंने और उनके पिताजी साथ में श्री मथुरा पाठक जी, जब दोनों बाप बेटों ने वायदा कर लिया। सबसे बड़ी बात है हमारा दुर्गेश पाठक से कोई वो नहीं, उनके पिताजी, लेकिन सवाल है हमारे सीएम साहब का कैंडिडेट है। हम केजरीवाल जी को देख रहे हैं, हमारा राजा इस समय दिल्ली का सीएम केजरीवाल जी है। राजा ने जिस भी कैंडिडेट को हमें चाहे मिट्टी का बुत भी खड़ा कर देते, वो भी यहाँ से जीत जाता। इसलिए जीत का जश्न एक तरफा दिख रहा है। इस बार जनता ने राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट दिया है और उसका नतीजा आपको दिख रहा है, थोड़ी देर में सबको पता भी चल जाएगा। और जीत का जश्न ऐसे मनेगा कि शायद पूरी दुनिया देखे कि ये राजेंद्र नगर विधानसभा की जीत है, दुर्गेश पाठक की जीत है और हम सब हमेशा दुर्गेश पाठक जी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को अपने विधायक से? हमारे विधायक से बहुत सी उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें तो पूरी हो भी चुकी है, जैसे बसों में यात्रा फ्री की है, CCTV कैमरेज वगैरह है, लाइटें जो लगी हुई है और सिक्योरिटी को लेके और शिक्षा को लेके और भी कुछ उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विधायक जो है अब यहाँ की महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे, वो हम लोगों ने उनसे बात की है और हम चाहते हैं, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि आगे जो भी होगा वो महिलाओं को स्पेशली ध्यान में रखते हुए हमारी विधानसभा में कुछ स्पेशल काम किए जाएंगे जो महिलाओं के लिए शायद एक बहुत अच्छी सौगात होगी। क्या नाम है आपका? पूनम रायसवाल, राजेंद्र नगर विधानसभा वार्ड 104 महिला विंग उपाध्यक्ष। क्या कहेंगी दुर्गेश पाठक आपके विधायक बनने वाले? हाँ जी, मैं उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक बन रहे हैं और जनता आज इसलिए नहीं कि उनकी शक्ल देख के, अरविंद केजरीवाल जी की शक्ल देख करके उनको जिता रही है, नहीं, जनता जाहिर सी बात है जो केजरीवाल उनके कामों को पूरा कर रहा है, जनता छोटे छोटे काम चाहती है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो दवाइयों से रिलेटेड हो, चाहे वह मोहल्ला क्लिनिक हो या कुछ भी बसों में यात्रा हो, तो जाहिर सी बात है जो जनता की सुनवाई करेगा तो जनता भी उसी को सरकार बनाएगी। अब बीजेपी वालों ने क्या करा, उन्होंने धोखे के अलावा, झूठे वादों के अलावा, निराश के अलावा कुछ नहीं किया जनता के साथ, तो जाहिर सी बात है आम आदमी की पार्टी की जीत आज भारी से भारी बहुमत की होगी, जिससे हम जश्न बनाएंगे और बहुत धूमधाम से बनाएंगे आम आदमी पार्टी। नाम मालती है, मैं राजेंद्र नगर विधानसभा से। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं उस काम को लेकर लोगों ने जो वोट दिए हैं उसके लिए मैं सभी अपने कार्यकर्ता वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जो हमारे साथ ऑब्जर्वर लगे हुए थे जैसे कि बंटी गौतम जी, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी जनता ने इनका भी बहुत साथ दिया, इसके लिए मैं इनको, बंटी गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ लगकर जो काम किया है उसके लिए आज हमारे राजेंद्र नगर विधानसभा ने उनको बहुत श्रेय देती है। और बाकी अरविंद केजरीवाल जी के लिए श्रेय ही श्रेय है, उसके लिए हम अरविंद केजरीवाल को हम बहुत बधाई देते हैं। आज हमारे दुर्गेश पाठक जी जो आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत काम सोचकर आए हैं, उसके लिए बधाई देते हैं। मायने में तो जीत तो हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन ये जो जीत है, ये जो कार्यकर्ता खड़े हैं, देखिए महिलाएं कार्यकर्ता ज़्यादा है इसमें, दिन रात इन्होंने मेरे साथ सुबह से लेकर रात तक अपना घर बार छोड़कर जिस तरीके से मेहनत की है,
वो काबिल तारीफ है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, कुछ रिजल्ट आ चुका है। और सच्चाई बताऊं, ये जो इलेक्शन था आम आदमी पार्टी और बीजेपी का नहीं था, ये इलेक्शन राजेंद्र नगर के लोगों का था। उनको अच्छी शिक्षा चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, बिजली मुफ्त चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, बसों में फ्री यात्रा चाहिए तो केजरीवाल चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही थी, बीजेपी इन लोगों के आने जाने का रास्ता रोक रही थी। उसने फाटक पे दीवार बना के इन लोगों को आने जाने से रोक दिया, 4 किलोमीटर का चक्कर इनको काट के जाना पड़ता था। अब गली गली में यही चल रहा है कि आ गए हैं दुर्गेश पाठक और खोलेंगे हमारे फाटक। चुनौतियाँ क्या क्या हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं? देखो, चुनौतियां तो कुछ भी नहीं है, केजरीवाल जी जनता के दिलों में बसे हुए हैं, राजेंद्र नगर के दिलों में बसे हुए हैं। जो जो काम केजरीवाल जी ने बोले हैं वो काम सारे करे हैं, और वो खुद ही यहां पर एक विशाल पदयात्रा हुई थी उसमें खुद बोल के गए हैं कि मैं फाटक खुलवाने की गारंटी मेरी है। तो फाटक का बहुत समस्या थी और पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी इन 2.5 साल में। मैं कह रहा हूँ डबल इंजन होता ना, 3 इंजन की सरकार बनेगी। दुर्गेश भाई विधायक है, बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके बाद राघव चड्ढा जी सांसद है, वो बहुत अच्छा काम करें नगर के लोगों के लिए। और केजरीवाल जी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में है ही, उनके तो काम का डंका बज ही चुका है। तो बहुत बहुत बधाई राजेंद्र नगर के लोगों को, इन सब कार्यकर्ताओं को, मैं खुद इनके लिए ताली बजाता हूँ। केजरीवाल भाई, दुर्गेश पाठक।